नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है सीकर दिल्ली सरायवाला इंटरसिटी एक्सप्रेस की, जो वाया झुंझुनू लोहारू के रास्ते चलती है। दोस्तों, यह ट्रेन जानकारी जून की समय सारणी के अनुसार है। दोस्तों, इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो की अपडेट आप तक मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ट्रेन नंबर 04811 सीकर दिल्ली सरायवाला इंटरसिटी एक्सप्रेस, जो सप्ताह में दो दिन बुधवार तथा शुक्रवार को सीकर जंक्शन से दिल्ली सरायवाला के बीच चलती है। दोस्तों, अगर मैं बात करूँ उसके ट्रेवल टाइम की, तो यह सीकर से दिल्ली सरायवाला के बीच 291 किलोमीटर की यात्रा लगभग 5 घंटे 45 मिनट में पूरा करती है। इसके बीच है 11 स्टेशनों पर रुकती है। इसकी एवरेज स्पीड 51 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा इसकी मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं उस टाइम लगने वाले कोच की, तो इसमें LHB रेक श्रेणी के सेकंड AC, थर्ड AC, स्लीपर क्लास तथा सेकंड सीटिंग के कोच लगते हैं। दोस्तों, यह ट्रेन पूर्ण रूप से आरक्षित ट्रेन है। दोस्तों, अगर आपको इस ट्रेन का टिकट किराया जानना है तो कृपया IRCTC की वेबसाइट पर जाकर एक बार अवश्य चेक कर लें। दोस्तों, अगर मैं बात करूं उस टाइम लगने वाले लोकोमोटिव की, तो इसमें सीकर से दिल्ली सरायवाला के बीच भगती कोठी लोको शेड का WDP-4D डीजल लोकोमोटिव लगता है। तो आइए दोस्तों, इस ट्रेन के टाइम टेबल के बारे में विस्तारित रूप से जान लेते हैं। तो दोस्तों, सीकर दिल्ली सरायवाला इंटरसिटी एक्सप्रेस जो सीकर जंक्शन से दोपहर के 2:40 पर रवाना होने के बाद इसका पहला स्टेशन है नवलगढ़, 3:04 पर पहुंचती है। 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:06 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचती है डुंडलोद मुकुंदगढ़, 3:18 पर तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:20 पर यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद ये पहुंचे झुंझुनू, 3:42 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 3:44 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती चिड़ावा, शाम को 4:09 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:11 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती सूरजगढ़, 4:23 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 4:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती लोहारू जंक्शन, 5:20 के ठहराव के बाद 5:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती महेंद्रगढ़, 5:55 पे था 2 मिनट के ठहराव के बाद 5:57 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती डहीना जैनाबाद, 6:17 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:19 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती रेवाड़ी जंक्शन, शाम को 6:48 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 6:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती गुड़गांव, 7:36 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:38 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद पहुंचती दिल्ली कैंट, 7:53 पे तथा 2 मिनट के ठहराव के बाद 7:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। तथा इसके बाद पहुंचती दिल्ली सरायवाला, रात को 8:25 पे तथा यहाँ पर अपनी यात्रा को पूरा करती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी जानकारी। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।